नमो नमः। मैं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैयद राजा चंदौली की कक्षा 9A में हूँ और हम लोग आज संस्कृत व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे सरल रूप में संस्कृत शब्द रूपों को कैसे याद करें ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए बोर्ड में देखिए बच्चों, हम लोग राम शब्द का शब्द रूप अभी याद करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग विभक्ति के बारे में जानते हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इसमें शब्द रूप के जो क्रम होते हैं वो तीनों वचनों में होते हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी निकालिए आप लोग और उसमें हम लोग लिखेंगे प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रामः, क्या लिखा? रामः। दूसरे वचन में रामो। मैं बोलूंगी उसके बाद आप लोग बोलेंगे। बहुवचन में रामा। रामा। लिख लिया सबने? यस मैम। अब हम लोग लिखेंगे द्वितीया। पहले कॉपी पे हम लोग लिख लेंगे उसके बाद हम लोग याद करेंगे। रामम, रामम, रामौ, रामौ, रामान, रामान। लिखिए कॉपी पे। यस मैम। तृतीया लिखिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि याद कैसे हम लोग इसको करेंगे तुरंत ही। रामेण, 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 रामाभ्याम, रामाभ्याम।
ह की ध्वनि आनी चाहिए, रामई रामई। क्या है? रामई। अब हम लोग मिला के पढ़े एक बार। यस मैम। राम है रामऊ रामा, राम रामऊ रामा। अब जब इसको पढ़ेंगे तो कॉपी में पांच बार साथ साथ लिखेंगे, ठीक है? यस। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रामम रामऊ रामा। अभ्यास करेंगे यानी कि बोलेंगे, ठीक है? बोले शुरू करते हैं। रामम रामऊ रामान, रामम रामऊ रामान, रामम रामऊ रामान, रामम रामऊ रामान, रामम रामऊ रामान। ठीक है, मान लो कि हमने पांच बार पढ़ लिया, जब हम याद करेंगे घर पे तो वैसे ही याद करेंगे। अब तृतीया में क्या हम लोग पढ़ेंगे? रामे यहाँ रामऊ होगा, रामऊ होगा, ठीक है? ये साफ सब ना, ठीक है? चलो जाने हैं। yes. पुनः हम लोग
दूसरे दिन, पहले दिन हम लोगों ने कौन कौन सी विभक्ति पढ़ी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अब दूसरे दिन दूसरी कक्षा में हम लोग उसके आगे याद करेंगे। एक दिन में ज्यादा नहीं याद करना है, फिर भूल जाओगे। एक दिन में तीन याद किया, अब दूसरे दिन हम लोग याद करेंगे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। ठीक है, सप्तमी मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन उसको हम संबोधन के साथ मिला के भी याद कर सकते हैं। जैसे भी हो अपनी सुविधा अनुसार उसको बांट लेंगे, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने तृतीया में क्या याद किया था बच्चों? राम, 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 राम। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में क्या मिल रहा है? राम, राम। क्या मिल रहा है? राम, राम। इस वचन में द्विवचन में, द्विवचन में। देखो मैं जो बोल रही हूँ उसको पहले ध्यान से सुनो, बीच में मत बोलो। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन में रामाभ्याम आता है। तृतीया इसको दिमाग में बैठा लेंगे, क्या? तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में रामाभ्याम आता है। तो एक बार तृतीया द्विवचन में हमने याद कर लिया है ना, इसको याद नहीं करना है। yes. क्या याद नहीं करना है? रामाभ्याम याद नहीं करना है। जैसे रामो हम लोग याद नहीं किया था ना, प्रथमा में द्विवचन में पढ़ लिया था, तो वैसे ही इसको और हम लोग को तीनों एक बार आ रहा है, दिमाग के अपने बोर्ड पे बैठा लीजिए। रामाभ्याम किस किस विभक्ति में? किस किस में? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे? ये तो हम लोगों ने याद कर रखा है। यस मैम। चतुर्थी हम लोग पढ़ेंगे, कॉपी में लिखते भी जाएंगे, एक बार बोलेंगे हम, पीछे से दोहराओगे और पांच पांच बार लिखोगे घर पे इसको, फिर इसी तरीके से पढ़ के दस दस बार बोल बोल के लिखोगे। रामाय, रामाय, रामाभ्याम, ये ध्यान में रखना कि चतुर्थी पंचमी में रामेभ्याम।
अष्टमी को एक साथ दोहराएंगे, ठीक है। रामाय रामाय